जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और जहां शिखर धवन ने बतौर कप्तान अपनी कुर्सी बरकरार रखी है, वहीं श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल के साथ साथ विराट कोहली और केएल राहुल, जिनके टीम में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, उनको इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं ऑलराउंडर दीपक चहर और वॉशिंगटन सुंदर की टीम इंडिया में वापसी हो गई है, यानी कि वर्ल्ड T20 के लिहाज से अगर वॉशिंगटन सुंदर और दीपक चहर टीम इंडिया में बैकेंड से एंट्री मारना चाहते हैं तो उनके लिए एक मौका यहां पर खुल गया है। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में भी प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मोहम्मद सिराज ने अपनी जगह बरकरार रखी है। सबसे पहले अगर आपको टीम इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड बताएं तो बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कैप्टन शिखर धवन के साथ ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी को मौका मिला है। वहीं विकेट कीपर में ईशान किशन और संजू सैमसन है। ऑलराउंडर्स में दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल के साथ दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर दोनों को इस टीम में जगह मिली है। वहीं बोलर्स में कुलदीप यादव स्पिनर के साथ आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को भी इस टीम में चुना गया है। नोट करने वाली बात यह है कि इस टीम में अर्शदीप सिंह का नाम नहीं डाला गया है, यानी कि एक तरीके से आप देख सकते हो कि उनका एशिया कप की स्क्वाड में सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंजरी की वजह से भी वो अनअवेलेबल थे। और आप अपने ऐसे गेंदबाज को रिस्क नहीं करना चाहते हो जिसको आप एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए देख रहे हो, और आवेश खान का इस टीम में शामिल हो जाना इस बात का सबूत है कि टीम इंडिया मे बी इन माय ओपिनियन अब अर्शदीप सिंह को प्रेफर कर रही है ओवर आवेश खान। वहीं युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, रवि अश्विन, इन खिलाड़ियों की इस टीम में जगह नहीं बनी है। और कुलदीप यादव एक जेन्युइन स्पिनर के तौर पर टीम इंडिया के साथ है। वहीं दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल को भी अपने ऑलराउंड क्षमता दिखाने का वॉशिंगटन सुंदर के साथ एक मौका और मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और शिखर धवन के रूप में टीम इंडिया के पास 4-4 स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं, और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक राहुल त्रिपाठी ही हैं जिनको आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के दम पे वनडे स्क्वाड में जगह मिली है। वहीं श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, इन खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में नहीं चुना गया है, और अब हमें ये खिलाड़ी सीधे एशिया कप में खेलते हुए ही दिखाई देंगे। यानी कि टीम इंडिया के लिए अगर उन्हें प्लेइंग 11 तैयार करनी है तो कुछ ओपनर्स को यहां पर मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, और संजू सैमसन को भी अब रेगुलर टीम इंडिया फीचर कर रही है इन द वनडे फॉर्मेट। अब अगर इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की पहली प्रोबेबल 11 की बात करें तो मेरे ख्याल से ओपन करते हुए आपको दिखाई देंगे यहां पर शुभमन गिल के साथ शिखर धवन, वहीं नंबर 3 पर होंगे ईशान किशन, नंबर 4 पर होंगे संजू सैमसन, उसके बाद दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, दीपक चहर के साथ मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव के साथ टीम इंडिया शुरुआत कर सकती है। लेकिन यहां पर एक ऑलराउंडर मेरे हिसाब से ज्यादा हो रहा है और एक प्रॉपर बल्लेबाज आपके पास कम हो रहा है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर टीम इंडिया राहुल त्रिपाठी के साथ इस सीरीज में शुरुआत करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया नंबर 3 पर खिलाना चाहेगी, या फिर ऋतुराज से अगर वो शुरुआत करते हैं तो फिर वो शुभमन गिल को ऊपर खिलाने के बजाय नीचे खिलाएंगे, तो ईशान किशन 4, संजू 5, सारे बैटर्स आउट ऑफ पोजीशन हो जाएंगे। तो हो सकता है हमें नंबर 4 पर या फिर इवन एज अ फिनिशर राहुल त्रिपाठी भी खेलते हुए दिखाई दे। अब इस स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह होनी चाहिए थी, क्या ये खिलाड़ी वर्ल्ड T20 की कंटेंशन में है या फिर इनको सिर्फ टूर कंप्लीट करने के लिए ही सेलेक्ट किया गया है। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की लगातार अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। और जो अगली टीम अब अनाउंस होगी वो होगी एशिया कप की, और उसकी कई एनालिटिकल वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। सो मेक श्योर यू चेक दोज आउट टू, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।